राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज हम बना रहे हैं आलू का पराठा। तो आलू के पराठे के लिए ये बॉयल आलू ले लिया है, उबली हुई आलू। इसमें हरी धनिया, हरी मिर्च और थोड़ा सा रोस्ट करके जीरा डाला हुआ है। ये सभी को डाल करके इस आलू पे मिक्स कर रहे हैं। इसमें नमक भी मिक्स किया है स्वादा अनुसार। अभी इसको हम थोड़ा सा रोल रोल कर लेंगे, ठीक है। और अब ये रेडी हो रहा है हरी धनिया, लहसुन, मिर्ची और इसमें हम थोड़ा सा सौंफ भी डालते हैं और थोड़ी सी अदरक डालते हैं। और इसके अंदर ये टमाटर, ये गांवटी टमाटर है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये चटनी बहुत अच्छी होती है, पराठे के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। अब ये रहा, मैं पराठे को बेल रही हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा आगे आ गया है, बट अभी थोड़ी देर बाद में आप लोग बने रहिए। मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने इस स्टफ़ को भरा कैसे है। तभी फ़िलहाल ये मैं एक पराठे को ऑलरेडी सेक रही हूँ, इसलिए सेक सेक गया है। थोड़ा सा ब्राउनिश गोल्डन कलर भी आ गया है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं घी लगा रही हूँ, ठीक है। घी लगा के अभी ये पक रहा है, आप बने रहिए मेरे वीडियो पे। ये देखिए अच्छे से पक गया है, ये कितना अच्छा दिख रहा है, सुनहरा। और बारिश के मौसम में खाने में बहुत मज़ा आता है हरी चटनी के साथ। और ये रहा कि मैं बनाती कैसे, ये वीडियो आगे होना चाहिए था बट मैंने पीछे कर दिया है, सॉरी। तो इसको मैंने पहले आटे को के लोई को लेकर के मैंने गोल गोल कर दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा रोल करूँगी और इसको थोड़ा सा मैंने बेल लिया है। बेल करके मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा घी लगाऊँगी, जिससे कि जो मैं स्टफ़ भरूँगी ना, और सॉरी मैंने इसके अंदर स्टफ़ भर दिया था क्या, नहीं नहीं सॉरी, अब मैं स्टफ़ भर रही हूँ। तब इसके ऊपर मैंने ना घी लगाया है थोड़ा सा। घी लगाने से क्या होता है कि जो हम आलू का स्टफ़ अंदर भरेंगे ना, वो अच्छी तरह से अंदर फैल जाता है चारों कोने में। तो ये रहा देखिए, ये आलू जो हमने स्मैश करके रखा हुआ था स्टफ़, वो इसके अंदर मैंने भर दिया। इस तरीके से हम अंगूठे की सहायता से हेल्प से इसको गोल गोल कर लेंगे। और ये थोड़ा सा स्टफ़ गीला था कंपेयर टू आटा जो मैंने आटा लगाया है। और फिर इसको हम गोल गोल करके चारों तरफ से इसे बंद कर देंगे, इस तरीके से कटोरी बना के, कटोरी की तरह बना करके। वाह, कितना अच्छा बन रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि एक बड़ा सा मोदक बन गया है। नहीं, मोदक का शेप दिख रहा है, तो ये मोदक बहुत अच्छा लग रहा है। अब ऐसे भी नेक्स्ट मंथ में गणपति आने वाले हैं तो बहुत से लोग मोदक भी बनाएंगे, एक मोदक का शेप बन गया है। अब इसको मैं पराठे को बेल करके पराठा बना लूँगी। इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे ही सूखे आटे से लेके फैला दिया जिससे कि वो फटे नहीं, बट फिर भी ना ये बेलने के बाद में ना पराठा फट ही रहा था, आलू दिख ही रहा था। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही आटे के साथ ले कर रही हूँ, क्योंकि ये मम्मी शूट कर रही थी मेरा वीडियो, इसलिए। थैंक यू सो मच। आलू का पराठा इंजॉय करें चटनी।